दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं UFI बॉक्स के बारे में कि अगर आप मान के चलिए UFI बॉक्स में किसी भी ऑनलाइन वाले मोबाइल को फ्लैशिंग करना चाहते हैं या उसे अनलॉक करना चाहते हैं, ठीक है, वो किस तरह से आप कर सकते हैं, और UFI बॉक्स में सर्वर क्रेडिट अगर आप लेना चाहें तो किस तरह से ले सकते हैं, रिमोट सर्विस यानी कि जितने भी ऑनलाइन वाले मोबाइल है उनको आप किस तरह से क्रेडिट द्वारा अनलॉक कर सकते हैं, और किस तरह से आप UFI बॉक्स के माध्यम से फ्लैश फाइल को, सभी मोबाइल के फ्लैश फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने अभी तक YouTube पे वीडियो देखा होगा UFI बॉक्स में कि ISP पिन आउट करके जो है उसका जो है अनलॉक किया जाता है OPPO 3S को या किसी भी Realme को, ठीक है, किसी मॉडल को। अगर मान के चलिए आपके पास कोई मोबाइल आता है ऑनलाइन वाला, कस्टमर उस मोबाइल को आपको खोलने के लिए नहीं देगा, अगर आप उस मोबाइल को आप जो खोलना नहीं चाहते हैं, आप डाटा केबल से आप उसका फ्लैशिंग करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्रेडिट लेना होगा, ठीक है। क्रेडिट लेकर के जो है आप उस मोबाइल को बिना खोले ही अनलॉक कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट के बारे में, ठीक है। अगर आपको क्रेडिट लेना है तो आप जब UFI बॉक्स में अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर करते हैं, ठीक है, आपके उस ईमेल आईडी से आपका एक अकाउंट बनता है और आपका अकाउंट आईडी होता है, आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं यहाँ पे कि अकाउंट आईडी, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको क्रेडिट लेना है UFI बॉक्स में, क्रेडिट द्वारा आप ऑनलाइन वाले सभी मोबाइल को अनलॉक करना चाहते हैं, फ्लैशिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक अकाउंट आईडी दिया हुआ है, ठीक है, आपके टूल में, ठीक है। तो इस अकाउंट आईडी का फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं एक्टिवेट करवाने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, या आप मेरी वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर भी UFI बॉक्स का सर्वर क्रेडिट का जो है सिस्टम दिया हुआ है, वहां पर आप ये नंबर जो है देख करके उसमें वहां पे जब आपको सीरियल नंबर पूछा जाएगा वेबसाइट पे, तो वहां पे ये नंबर आपको सारा वहां पे डाल देना है, ठीक है, आपको वहां से बाय कर लेना है। तो इस तरह से आप क्रेडिट को ले सकते हैं, और जो भी क्रेडिट आप लेंगे वो आपका क्रेडिट यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे अभी आपका जीरो क्रेडिट शो कर रहा है, ठीक है, तो जो भी क्रेडिट लेंगे आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रिमोट सर्विस। रिमोट सर्विस यानी कहने मतलब अगर कोई भी Xiaomi का मोबाइल अगर आप अनलॉक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका IMEI नंबर डालना होगा, ठीक है, और सबमिट करना होगा, उसका डिटेल आपको देखना होगा कि वो जो मोबाइल आप अनलॉक करना चाह रहे हैं IMEI अकाउंट, वो मोबाइल चोरी का है या चोरी का नहीं है, ठीक है, तो उसे आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन रहेगा तभी आप उस मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। चोरी के मोबाइल को आप अनलॉक नहीं कर सकते हैं, जो मोबाइल बिल्कुल सही है कस्टमर का है उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो अनलॉक करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे जो है सपोर्ट आप देख रहे हैं, सपोर्ट पे क्लिक करके आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी किसी भी मोबाइल का, किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का फ्लैश फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है UFI बॉक्स के जरिए से, आपको यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर में आपको एंड्रॉइड पे क्लिक कर देना है। एंड्रॉइड पे क्लिक करने के बाद नीचे में थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है यानी कंपनी सेलेक्ट करना है कि किस कंपनी का आप जो फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, कौन से मोबाइल का आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको पहले ब्रांड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान के चलिए हमें यहाँ पे ओप्पो का डाउनलोड करना है, ओप्पो पे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद हमें यहाँ पे मॉडल नंबर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, तो जो भी मॉडल नंबर आपका रहेगा उस मॉडल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास अभी है Realme C2, ठीक है, तो मुझे Realme C2 यहाँ पे जो है मॉडल नंबर सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं ये भी Realme C2 इस मॉडल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब इस फाइल को हमें डाउनलोड करना है, डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जो है राइट क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली आपका ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका फाइल ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपके टूल में ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि मेरा ये फाइल ऑलरेडी पहले से ही जो है डाउनलोड है, ठीक है, इसलिए ये डाउनलोड नहीं होगा। जो फाइल अगर डाउनलोड है मेरे पास, ठीक है, वो फाइल डाउनलोड नहीं होगा, जो फाइल अगर डाउनलोड नहीं है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बीच में अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप उसे यहीं पर राइट क्लिक करके रिज्यूम का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट क्लिक करके, ठीक है, आप रिज्यूम पे यहाँ पे राइट क्लिक जैसे करेंगे आपको रिज्यूम का ऑप्शन मिल जाएगा। मान के चलिए आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया बीच में, फाइल आधा डाउनलोड हुआ आधा डाउनलोड नहीं हुआ, तो राइट क्लिक करके आप जो है उसे रिज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद फाइल को देखने के लिए सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप फाइल को देख सकते हैं कि आपका फाइल जो डाउनलोड होकर कहां जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए अगर आपको मोबाइल को फ्लैश करना है, ठीक है, यानी कि अनलॉक करना है, ठीक है, तो अनलॉक किसी भी मोबाइल को करेंगे आपको उसे पहले आपको फ्लैश करना होगा, ठीक है।
और दूसरी बात की अगर आपको डाउनलोड फाइल देखना है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं कितना फाइल आपका डाउनलोड हुआ, कितना फाइल डाउनलोड नहीं हुआ। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि जब भी आप यूएफआई बॉक्स को जो है ओपन करते हैं, तो आप एक बार यहाँ पे सेटिंग में जाकर के उसे चेक कर लेंगे आपका फर्मवेयर अपडेट है या नहीं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट पे क्लिक कर देंगे आप, ऑटोमेटिकली अगर आपके यूएफआई में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपडेट पे क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होने की कोशिश में है, ठीक है। तो दोस्तों जब तक इसे हम अपडेट होने देते हैं उसके बाद आगे बताते हैं आपको कैसे आपको किसी भी मोबाइल को, चाहे ओप्पो रहे आपके पास, रियलमी रहे, चाहे वो ऑफलाइन वाले मोबाइल रहे, चाहे ऑनलाइन वाले मोबाइल रहे, आप किसी भी मोबाइल को आप इस टूल के माध्यम से फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए अगर आपने क्रेडिट ले रखा है, ठीक है, आप उस मोबाइल को फ्लैशिंग कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलिए वो मोबाइल ऑफलाइन में है, तो ऑफलाइन में है उसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं कटेगा, आप डायरेक्ट फ्लैश फाइल डाउनलोड करके इसे फ्लैश मार सकते हैं और यहां से जो है आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। फ्लैशिंग करेंगे, इरेज एफआरपी यूजर डाटा पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये टूल जो अपडेट हो चुका है, उसके बाद रिस्टार्ट होकर ये टूल दोबारा ओपन हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जैसे ओपन होता है फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको फ्लैश करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि जब भी आप किसी ऑनलाइन वाले मोबाइल को अगर अनलॉक करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे, तो आपको क्रेडिट कटेगा उसमें, ठीक है। अगर मान के चलिए वो मोबाइल ऑफलाइन में है तो उसमें कोई क्रेडिट आपका नहीं कटेगा, जो भी आपने यूएफआई में क्रेडिट ले रखा होगा। तो अगर ऑनलाइन वाला मोबाइल है तो क्रेडिट कटेगा, और ऑफलाइन वाला मोबाइल है तो क्रेडिट नहीं कटेगा। लेकिन तरीका सेम यही है कि आपको मोबाइल को फ्लैश करना है, फ्लैश फाइल डाउनलोड करके, ठीक है। और वो फ्लैश फाइल भी आपको यूएफआई बॉक्स के माध्यम से ही डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लैश पर है, ऑप्शन है, फ्लैश ऑप्शन पर है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका रहे, क्वालकॉम रहे, मीडियाटेक रहे, स्पेक्ट्रम रहे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मीडियाटेक सेलेक्ट किया, उसके बाद ब्रांड पे क्लिक करके हमें यहाँ पे सबसे पहले जो है ब्रांड सेलेक्ट करना है, यानी ओप्पो कंपनी का मोबाइल है तो ओप्पो सेलेक्ट करना है, वीवो का है तो वीवो सेलेक्ट करना है, जो भी कंपनी का मोबाइल है आपका वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये ओप्पो का मोबाइल है तो ओप्पो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो राइट साइड में यहाँ पे आपको क्लिक करके जो है मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान के चलिए आपके पास जो भी मोबाइल का मॉडल रहे वो मॉडल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास अभी रियलमी C2 है तो हम C2 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको फ्लैश फाइल सेलेक्ट करना है। तो फ्लैश फाइल सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कोई भी यहाँ फाइल शो नहीं कर रहा है, वो इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने फ्लैश फाइल डाउनलोड किया है लेकिन उस फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है। जब तक वो फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं होगा यूएफआई की मदद से, यूएफआई टूल की मदद से ही एक्सट्रैक्ट होगा। मेरा कहने का मतलब यह है जब भी आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे यूएफआई बॉक्स में, और जैसे ही फ्लैश फाइल आपका डाउनलोड होगा, ठीक है, उसी वक्त आपको एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन ऑटोमेटिकली यूएफआई में ही मिल जाएगा। और आपका कंप्यूटर कम से कम 50 GB जो आपका खाली होना चाहिए, आपका कंप्यूटर सी प्रोग्राम, क्योंकि सारा जो फाइल आपका डाउनलोड होगा सी प्रोग्राम में ही डाउनलोड होगा, और सी प्रोग्राम फाइल आपका खाली रहेगा तभी आपका फाइल एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा फाइल यहाँ पे डाउनलोड है लेकिन जो है यहाँ पे शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहीं से आपको फाइल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे रिबूट पे क्लिक करना है, कुछ एग लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं इरेज एफआरपी का, यूजर डाटा का। तो जब आप फ्लैश फाइल सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन जो आपको हाइड दिख रहा है ये आपको शो करेगा, ठीक है। दोनों पे चेक लगा के आप फ्लैश मारेंगे, मोबाइल आपका अनलॉक होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका मोबाइल ऑनलाइन में है, वो जो मॉडल को आप अनलॉक करना चाह रहे हैं, फ्लैश करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे आप फ्लैश पे क्लिक मारेंगे ऑटोमेटिक इंटरनेट कनेक्ट रहेगा आपका। तो वो क्रेडिट मांगेगा, वो पूछेगा आपसे कि 3 क्रेडिट इसमें आपका कट रहा है, क्या आप इसे करना चाहते हैं, करना चाहते हैं यस कीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं नो कीजिए, ठीक है। जो ऑफलाइन वाले मोबाइल रहेगा उसमें आपको कोई क्रेडिट नहीं मांगा जाएगा, डायरेक्टली वो मोबाइल आपका फ्लैश हो जाएगा। अब फ्लैश होकर के जब वो मोबाइल ऑन होगा कोई FRP कोई जो है आपका गूगल अकाउंट या पिन पैटर्न नहीं मांगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यूएफआई के एंड्रॉइड टूल के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।